हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे से होंगे। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है वस्तानिया इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। और इसमें मैं पूरा कंप्लीट टॉपिक एक वीडियो में कवर करने वाली हूँ। इंग्लिश ग्रामर से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारा क्वेश्चन इस वीडियो में करा दूंगी, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो लाइक भी करेंगे और शेयर भी अपने दोस्तों को ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, सबसे पहला टॉपिक, ठीक है, ग्रामर का है ये क्वेश्चन, प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन से सवाल आते हैं आप लोग के एग्जाम में। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का रहेगा, हेडिंग तो ये सेम ही रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ठीक है। ये हेडिंग सेम रहेगा आप लोगों का, और यहाँ पे आप लोगों को प्रीपोजिशन लगाना है, ठीक है। कहाँ पे विथिन लगेगा, कहाँ पे अगेंस्ट लगेगा, इस तरीके से आप लोग को लगाना होता है, समझ रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे, ठीक है, नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसके आंसर्स भी आप लोगों को इसके नीचे मिल ही जाएगा, ठीक है। सबसे पहला सवाल यहाँ पे देखिए, प्लीज़ सी मी, यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे खाली जगह छोड़ा हुआ है और यहाँ पे आप लोगों को लिखना है कि प्रीपोजिशन, कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे था प्लीज़ सी मी फिल इन द ब्लैंक्स विद, तो यहाँ पे आप लोगों को लगेगा विथ इन, ठीक है, प्लीज़ सी मी विथ इन अ विड, ठीक है। इस तरीके से आप लोग का आंसर बनेगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ही वॉज लर्निंग, उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है अ पूल, तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, तो यहाँ पे लगने वाला है अगेंस्ट या अलॉन्ग, तो यहाँ पे लगेगा अगेंस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे अगेंस्ट हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, दे आर वेयर ट्रीज फिल इन द ब्लैंक्स द रोड, तो यहाँ पे क्या लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा अलॉन्ग द रोड। फिर देखिए, डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट्स फिल इन द ब्लैंक्स द चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे आप लोग देखिए इन लगेगा, ऑन लगेगा, दी लगेगा, क्या लगने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे लगेगा ना इन लगेगा ना ऑन लगेगा, यहाँ पे लगेगा अमॉन्ग, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अमॉन्ग। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं नीचे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ पे आप लोगों को सुटेबल प्रीपोजिशन यहाँ पे लगाना है, ठीक है। कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, इन लगेगा, ऑन लगेगा, द लगेगा, विद इन लगेगा, अमॉन्ग लगेगा, अगेंस्ट लगेगा, क्या लगेगा, वो आप लोग को यहाँ पे समझ के लगाना है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को शायद हाँ नीचे दिया ही हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके आंसर्स दिए हुए हैं। 25 क्वेश्चन यहाँ पे मैं दी हूँ, 25 तक यहाँ पे आप लोग आंसर देख सकते हैं, इसके आगे आप लोगों को देखने की जरूरत भी नहीं है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इससे भी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक तो ये रहेगा। तो सबसे पहले तो आप लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, इसका डेफिनेशन लिखा हुआ, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप, ईच ग्रुप्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। कितने ग्रुप में बांटा हुआ है, डिवाइड किया गया है, तो 8 में, कौन कौन से हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है। देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये 8ों का नाम आप लोग जान लीजिए और इनके बारे में भी पढ़ लेना आप लोग, बेहतर होगा। नाउन तो क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, प्रोनाउन ही मालूम ही होगा, और एडजेक्टिव देख तो सबको पता रहता है, आगे का थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, नाउन देखिए, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मोहन, सोहन, कमला, ये सब क्या है, एक पर्सन का नाम है। फिर यहाँ पे कह रहा है एनिमल, एनिमल, डॉग, कैट, ये क्या हो गया, एनिमल का नाम। प्लेस, प्लेस क्या होता है, जगह। रांची क्या हो गया, जगह का नाम। थिंग क्या हुआ, कलम हो गया, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ पेन, बुक, चेयर, ये सब हो गया थिंग, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे डेफिनेशन के अनुसार ही यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। डेफिनेशन में क्या था, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल और ए थिंग, प्लेस और ए थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पर्सन का नाम दिया हुआ है, एनिमल का नाम दिया हुआ है, प्लेस का नाम दिया हुआ है और थिंग का भी नाम दिया हुआ है, तो ये हो गया आप लोगों का नाउन। फिर देखिए, प्रोनाउन क्या होता है, अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखिए, आई, वी, ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गया, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। अब एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, आई, वी, यू, ही, सी, ठीक है, ये नाउन की जगह पे यूज किया जाता है। फिर देखिए, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज एडजेक्टिव, जैसे बिग, फैट, रेड, गुड, एट्सेट्रा, ये सब हो गया एडजेक्टिव। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक, वर्ब, वर्ब क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, सब आप लोग पढ़ लीजिए, एक एक करके मैं अगर समझाऊंगी तो इससे अच्छा मैं वीडियो ना बना दूँ इसका अलग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन, इतना जानने की डिप्ली में जरूरत नहीं है, बस डेफिनेशन जान लीजिए, एग्जाम्पल जान लीजिए, बस हो गया, इतना ही काम है। नंबर, अब यहाँ पे देखिए, नंबर ये क्या है भाई, तो यहाँ पे देखिए,
दे आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, एक तो होते हैं सिंगुलर, एक होते हैं प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर यानी कि एक, जिसे वाहिद कहा जाता है उर्दू में, प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा, जिसे जमा कहा जाता है। ठीक है, वाहिद जमा भी आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, मैं पढ़ाई भी हूँ अलग से, तो आप लोग को इन दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है और सब कुछ आप लोग सही से बना लेंगे। जैसे देखिए सिंगुलर नंबर क्या होता है, सिंगुलर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। ठीक है, जो सिंगुलर होता है वो डिनोट करता है एक पर्सन को, एक थिंग को, जैसे कैट, डॉग, ये सब क्या हुआ, सिर्फ एक हुआ, बॉय, लड़का। ठीक है, प्लूरल नंबर क्या होता है, प्लूरल डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। एज देखिए आप एग्जांपल, कैट्स, ऊपर क्या था, सिर्फ कैट था, बिल्ली, कैट्स, बिल्लियाँ। डॉग्स, डॉग यहाँ पे था, कुत्ता, डॉग्स, कुत्ते। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, एक जो सिंगल रहेगा वो हो गया सिंगुलर नंबर, प्लूरल यानी एक से ज़्यादा हो गया वो हो गया प्लूरल नंबर। क्लियर, समझ गए आप लोग। यहाँ पे देखिए मैं कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिखी हूँ, ठीक है, मतलब लिखा हुआ था। यहाँ पे देखिए सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, ये सब आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनता है, आज से एसेस। ठीक है, बॉय, बॉयज, बस, बसेस। ठीक है, इस तरीके का मैं और भी डेफिनेशन, मतलब और भी वर्ड्स यहाँ पे दी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। फिर देखिए जेंडर, जेंडर यहाँ पे सबसे पहले पूछ देगा कि जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप लोग को टाइप्स तो सबसे पहले मिलनी याद होना ज़रूरी है, तो आप लोग लिख दोगे देयर आर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर। सबसे पहले तो मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, इन चारों के बारे में आप लोग को पढ़ना होगा, समझ रहे हो आप लोग, पढ़ना होगा इन चारों के बारे में। डेफिनेशन नीचे दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी नीचे दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी है, ठीक है, मैस्कुलिन और फेमिनिन के यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी दिए हुए हैं, ये भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। ठीक है, ये दोनों जो आप लोग वर्ड देख रहे हो काफ़ी सवाल इससे पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंटोनिम्स क्या होता है, सिनोनिम्स क्या होता है। सबसे पहले तो इन दोनों की डेफिनेशन याद कर लो आप लोग, ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले एंटोनिम्स क्या होता है ये आप लोग जानिए। एंटोनिम्स अगर आप लोग उर्दू में पढ़े हुए हो, उर्दू ग्रामर पूरा कंप्लीट पढ़े हुए हो, तब तो यहाँ पे आप लोगों को सार को समझ में आ जाएगा। एंटोनिम्स यानी कि मुतजाद होता है, ठीक है, मुतजाद अल्फाज को एंटोनिम्स कहते हैं, यानी कि उल्टा। ठीक है, उल्टा, जिसे यहाँ पे एंटोनिम्स वर्ड जहाँ पे भी दिया रहा है तो समझ लो आप लोग उल्टा बनाने को कह रहा है। सिनोनिम्स क्या होता है, सिनोनिम्स क्या होता है, मुतरादिफ अल्फाज, हम मान अल्फाज, एक जैसा अल्फाज। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए एबव, ठीक है, एक ये वर्ड है, इसका कह रहा है एंटोनिम्स बनाओ, तो एंटोनिम्स कैसे बनेगा, एबव का बिलो, उल्टा बना कि नहीं, देखिए यहाँ पे उर्दू में भी दिया हुआ है ऊपर, ऊपर का नीचे, तो ये एंटोनिम्स हो गया, उल्टा बनाना, ये हो गया एंटोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होगा, हम माना अल्फाज, एक जैसा अल्फाज, जैसे यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट, कंसेंट, एग्री। ठीक है, तो हम माना उसका कोई उल्टा नहीं बनेगा, ठीक है, एक जैसा अल्फाज ही रहेगा, तो वो हो जाएगा सिनोनिम्स। देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं नीचे लिखी हूँ, आप लोग ये सारे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखिए स्पेलिंग टेस्ट, इससे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव में भी। ऑब्जेक्टिव में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, ऊपर का हेडिंग सेम रहेगा, राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, एक तो ये हेडिंग रहेगा ही रहेगा। उसके बाद वहाँ पे जैसे एक ये एग्जांपल मैं लेती हूँ, ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी मैं कराई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम, वहाँ पे प्रॉब्लम का चार स्पेलिंग लिखा रहेगा, एक तो चार, तीन तो गलत रहेगा, एक सही रहेगा, तो आप लोग को प्रॉब्लम का स्पेलिंग सही मालूम होगा, करेक्ट स्पेलिंग मालूम होगा, तो वहाँ पे आप लोग टिक कर देंगे, हाँ प्रॉब्लम का स्पेलिंग ये होता है सही, वहाँ पे आप लोग टिक कर दोगे। ठीक है, तो स्पेलिंग आप लोग ये सारा प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, इस तरफ आप लोग देख रहे होंगे ये रॉन्ग स्पेलिंग है और इस तरफ राइट है। ठीक है, ये सारे जितने हैं गलत स्पेलिंग है और ये सही स्पेलिंग दिए हुए हैं, और भी नीचे स्पेलिंग्स हैं और भी हैं। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन इसके बाद दो तीन टॉपिक्स और मैं कराऊंगी, देन स्टॉप कर दूंगी, यानी कि ख़त्म ही हो जाएगा, उसके बाद कोई और ग्रामर का टॉपिक्स बचेगा ही नहीं। ट्रांसलेशन में क्या करना, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और आगे आप लोग को ट्रांसलेट इनटू उर्दू भी देखने को मिलेगा शायद। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, सेंटेंस दिए हुए, ठीक है, वर्ड्स नहीं है, सेंटेंस है। भारत गाँव का मुल्क है, ठीक है, तो इसका आप लोग को कह रहा है इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तो देखिए इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ विलेज, अगर आप लोगों को ट्रांसलेशन करने नहीं आता, ट्रांसलेट करने नहीं आता, तो आप लोग थोड़ा सा कुछ भी वहाँ पे बना के लिख सकते हैं। लाइक देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, भारत, भारत आप लोग समझ सकते हो, भारत क्या क्या किसे कहा जाता है इंग्लिश में, इंडिया, ठीक है, इंडिया आप लोग जान लोगे। गाँव, गाँव को विलेज कहा जाता है, तो आप लोग विलेज जान लिए, दो वर्ड का तो समझ लिए आप लोग। मुल्क, मुल्क क्या होता है, देश, देश यानी कि कंट्री, तो कंट्री आप लोग। का क्या होता है इंग्लिश, तो का क्या होता है ऑफ, है का इज़,
ठीक है, तो आप लोग सब जोड़ोगे तो इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ विलेज, ये आप लोगों का ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, अगर इतना मालूम है, कुछ कुछ वर्ड्स का इंग्लिश मालूम है, तो आप लोग ट्रांसलेट इजिली कर सकते हो। फिर देखिए दूसरा मैं यहाँ पे दी हूँ प्रैक्टिस ही करने के लिए, यहाँ पे मैं दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ट्रांसलेट इंटू इंग्लिश, यहाँ पे भी एक एक ये अलग अलग करके सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे नंबर वाइज है 1 2 करके। वह पढ़ने में तेज है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे कह रहे हैं यहाँ पे इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, वह आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा अलग से पढ़ना यानी कि स्टडी, और तेज़ यानी कि इंटेलिजेंट, वह यानी कि ही, मैं यानी कि इन है, मतलब इस सबको ऐड कर लो बन जाएगा सेंटेंस। इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यहाँ पे भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है आप सभी को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए सबसे अहम टॉपिक, इससे सवाल पूछे जाएंगे ही, एप्लीकेशन या लेटर, दोनों में कोई में मास्टर होना आप लोग को सख्त ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी होता है क्या है, एप्लीकेशन भी दिया रहता है लेटर भी दिया होता है, तो दोनों में से कोई एक आप लोगों को बनाना होता है। ठीक है, एप्लीकेशन रहेगा फिर बीच में और करके यहाँ पे आप लोगों को लेटर दे दिया जाएगा, समझ रहे हो आप लोग, लेटर दे दिया जाएगा, या तो ये बना लो या तो ये आप बना लो। इसलिए मैं कह रही हूँ एप्लीकेशन या लेटर, दोनों में किसी में एक में मास्टर हो और दूसरा आप लोग को जानना ज़रूरी है, हो सके दोनों ही आ जाए, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो सबसे पहले एप्लीकेशन आप लोग जानिए, एप्लीकेशन किस चीज़ पे आ सकता है और आप लोग लिखोगे कैसे, फॉर्मेट, ये सभी तो मालूम होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले और सबसे ऊपर आप लोग देखिए क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर आस्किंग हिम फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, ये क्वेश्चन आने का थोड़ा कम चांस है। ठीक है, जो आएगा मैं आगे बताऊँगी। तो यहाँ पे आप लोग देखिए फॉर्मेट, ठीक है, मैं थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ये दो पेज में हो गया। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग हिम फॉर लीव ऑफ एब्सेंस टू अटेंड योर कजन्स मैरिज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि आप लोग का एप्लीकेशन यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे आप लोग किस तरीके से लिखोगे, फॉर्मेट सबसे पहले आप लोग जान लो। एप्लीकेशन आप लोग तीन पार्ट करके लिख सकते हो, इस पर मैं अलग से वीडियो नहीं उर्दू की बनाई थी, इंग्लिश की नहीं बनाई हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए सबसे पहला फॉर्मेट ये हो गया और सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया आप लोगों का, समझ रहे हो आप लोग, समझ ही रहोगे। टू लिखना है यहाँ पे, जैसे लिखा हुआ है टू द प्रिंसिपल, थ्रो, थ्रो क्या होता है यानी कि किसके द्वारा आप लोग लिख रहे हो, तो क्लास टीचर, क्लास टीचर ही को लिख रहे होगे ना, तो क्लास टीचर, ठीक है, क्लास टीचर के थ्रू लिख रहे हो, क्लास टीचर। यहाँ पे लिखोगे सर, और कभी कभी होता है किसी किसी स्कूल में मैम भी होती है प्रिंसिपल, तो यहाँ पे आप लोग को अगर मालूम है कि सर है या मैम, तब तो आप लोग लिख दोगे सर या मैम, अगर नहीं मालूम है तो सर और यहाँ पे ऐसे करके मैम भी लिख सकते हो। ठीक है, नहीं मालूम है कि प्रिंसिपल सर है या मैम, तब चलिए ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। टू द प्रिंसिपल थ्रू द क्लास टीचर आप लोग लिखोगे सर, आई वॉन्ट टू स्टेट दैट द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई कज़न विल बी हेल्ड ऑन द 12 February 2022, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट, यहाँ पे 2000 जो करेंटली चल रहा होगा वो लिखोगे आप लोग, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फ्रॉम 11 February टू 15 February 2000 जो भी करेंट डेट हो, मतलब करेंट ईयर हो, वो लिखेंगे आप लोग, आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल यू फॉर दिस। ठीक है, तो बीच वाला पार्ट तो आप लोग जो टॉपिक्स होगा, जो क्वेश्चन होगा, वहाँ से आप लोग उठा लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे था पूछने को, जैसे यहाँ पे था आस्किंग हिम फॉर लीव ऑफ एब्सेंस टू अटेंड योर कजन्स मैरिज, तो ये था आप लोगों का टॉपिक ना, तो यहाँ पे आप लोग बीच में खुद से बना लोगे, इतना से इतना दिन की छुट्टी चाहिए कजन्स के शेरेमनी है, जो भी शादी की जो भी शेरेमनी हो वो आप लोग को अटेंड करना, वो सब आप लोग बीच में खुद से बना के लिख सकते हो। डेट आप लोग लिख देना, यहाँ से आप लोग को इतना से इतना तक छुट्टी चाहिए, ये सब आप लोग खुद से बना के लिख देना। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोगों को समझ में आ गया, पहला पार्ट तो ये हो गया आप लोगों का, ये फॉर्मेट सेम रहेगा चाहे आप लोग का कोई भी एप्लीकेशन हो। फिर बीच का आप लोग समझ लो, बीच का ये क्वेश्चन के हिसाब से रहेगा। फिर लास्ट का आप लोग यहाँ पर देखो, ये थर्ड पार्ट जो है, ये थर्ड है, यहाँ पे आप लोग को योर्स ओबिडेंटली ये तो लिखना है, अपना नाम लिखना है, फिर यहाँ पे जो भी क्लास है, क्लास 10th यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग वस्ताने का एग्ज़ाम देंगे तो आप लोग क्लास 8 लिखेंगे वहाँ पे। ठीक है, क्लास 8 लास्ट में डेट यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, क्लियर, समझ रहे हो आप लोग, इसी तरीके से आप लोग को लिखना है। फिर देखिए दूसरा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर
टू ग्रांट यू फुल फ्री स्टूडेंटशिप, ठीक है। तो ये भी एक टॉपिक है और इसे भी आप लोग देख सकते हैं, कुछ इसी तरीके से लिखा गया है। अब आप लोग क्वेश्चन होगा किस, मतलब कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पर समझ लो पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, एक तो ये क्वेश्चन रहेगा मेरे ख्याल से और एक ये क्वेश्चन, ठीक है। और ज़्यादा अगर ये क्वेश्चन रहता है प्रिंसिपल से छुट्टी के लिए दरख्वास्त, मतलब कि एप्लीकेशन लिखने पर रहता है, तो वो आप लोग को आना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वाला आप लोग प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, ये वाला सेकेंड क्वेश्चन, ये वाला आप लोग प्रैक्टिस कर लिए तो आप लोग का कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग बना ही लोगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर राइटिंग। हाँ तो ये देखिए लेटर राइटिंग, वो तो था ऊपर एप्लीकेशन राइटिंग। एप्लीकेशन बहुत ही इजी होता है, मैं रिकमेंड करूँगी आप लोग एप्लीकेशन ही लिखें, चाहे वस्तानिया हो चाहे फोकानिया हो, दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम में अगर आ जाए एप्लीकेशन या लेटर लिखने को तो एप्लीकेशन लिखना, एप्लीकेशन ज़्यादा बेहतर होता है और ज़्यादा जल्दी हो भी जाता है कम्प्लीट। लेटर राइटिंग देखिए, यू आर नाज, मतलब मान लेना है आप नाज हो। राइट अ लेटर टू यू मदर डिस्क्राइबिंग हर्ड अबाउट योर विजिट टू पावा, आप लोगों को एड्रेस लिखना है, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस दिया रहेगा सवाल में तब तो आप लोग एड्रेस यहीं से लोगे, अगर नहीं लिखा रहेगा तब तो आप लोग को खुद से ही यहाँ पे एड्रेस देना है। फिर यहाँ पे किस पे लिखना है, तो माय मदर, तो माय डियर मदर करके आप लोग लिखोगे। फिर बीच का पार्ट आप लोग देख सकते हैं, आई हैड बीन थिंकिंग ऑफ राइटिंग टू यू फॉर द लास्ट सेवरल डेज बट आई हैड अ माइंड टू पे अ विजिट टू पावापुरी सो आई प्रपोज, तो ये आप लोग को बीच से यहाँ क्वेश्चन से उठाकर लिख देना है, ठीक है। बीच का फॉर्मेट आप लोग देख लो, फिर लास्ट का फॉर्मेट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें भी आप लोग का तीन तरह से फॉर्मेट बन सकता है। फर्स्ट तो आप लोग का ये रहेगा ही रहेगा जो आप लोग एड्रेस दोगे, फिर यहाँ पे माय डियर मदर फादर जिस पे भी लिखने को कहेगा वो आप लोग लिखोगे। तो ये तो पहला हो गया आप लोग का पार्ट, फिर सेकेंड बॉडी वाला पार्ट होता है, दूसरा जो क्वेश्चन से आता है, ठीक है। फिर थर्ड आप लोग यहाँ पर देखिए, योर्स सिंसियरली, यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, नाज जो क्वेश्चन में नाम था वो लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है। फिर यहाँ पे एड्रेस आप लोग को दे देना है, ठीक है, जो भी एड्रेस होगा वो आप लोग यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तीन पार्ट में आप लोग लिख लोगे। एप्लीकेशन में भी आप लोग कुछ इसी तरीके का करना है, ठीक है, एप्लीकेशन में भी आप लोग कुछ इसी तरीके का करना है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तीन पार्ट में आप लोग डिवाइड करना। अगर यहाँ पे क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछता है, ठीक है, 10 मार्क्स का अगर रहा तब तो आप लोगों को समझो तीन नंबर यहाँ से, तीन नंबर यहाँ से, छः नंबर तो मुफ्त में मिल जाएंगे, चार नंबर बीच में कुछ भी लिख दोगे, चार में से चार का चार नहीं मिलेगा, तीन मिल जाएगा, दो मिल जाएगा। अगर नहीं आ रहा बीच में कुछ भी लिखने तब तो दो तीन तो नंबर मिल ही जाएगा। तो समझ लो आप लोग 10 में से 7 नंबर आप लोग को ऐसे ही मिल गए, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को करना है, समझ लो आप लोग। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम फॉर मनी टू बाई अ फ्यू बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग को लेटर ही लिखना है, लेटर आप लोग देख लीजिए फॉर्मेट जो जो है, और बीच का पार्ट आप लोग अपना देख लो, ठीक है, और लास्ट का पार्ट आप लोग देख लो, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इससे, ठीक है, इससे भी आता है और 10-10 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इससे भी आप लोग को ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ज़्यादा फोकस किस पे करोगे, तो इससे पे 10 नंबर तो मुफ्त में मिल जाएगा। किस टॉपिक पे आएगा और किस पे आने के ज़्यादा चांसेस है वो मैं बताऊँगी। अवर मदरसा, तो ये इस पर आ सकता है, ठीक है, मदरसा का एग्ज़ाम है तो मुझे लग रहा है इस पर आ सकता है, तो इस पर आप लोग याद कर लेना है इससे, ठीक है। यहाँ पर मैं दे दी हूँ, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग याद कर लेना सही रहेगा। फिर देखिए दूसरा टॉपिक डिसिप्लिन, डिसिप्लिन भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं जितना मदरसा पे ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो वो तो आप लोग याद करोगे ही करोगे। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए अ पोस्टमैन, तो ये सब मैं प्रैक्टिस करने के लिए दी हूँ। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए ईद उल फित्र, इस पर भी आ सकता है दो, और एक न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर इसमें मैं नहीं दी हूँ लेकिन ज़्यादा चांस है तीन ऐसे आएगा ही आएगा। ऐसे मान लो आप लोग तीन नहीं भी आता है, एक उसमें ईद उल फितर दे दिया और दो और कोई दूसरा नाम दे दिया गया, तब आप लोग क्या करोगे, तब तो आप लोग को पता ही है कि हाँ ईद उल फितर पे मैं याद कराई हूँ, तो आप लोग लिख देंगे। तीन ऐसे ज़्यादा चांस है कि एक तो ये रहेगा, ठीक है, फिर एक ईद उल फितर पे रहेगा दो, और एक न्यूज़पेपर,
तीन ऐसे आप लोग याद कर लीजिए, तीनों में से कोई एक भी आ गया तो आप लोग लिख दोगे ऐसे, जैसे एक नाम इसमें से दे दिया ठीक है, तीन मैं बोल रही हूँ, तीनों में से कोई एक दे दिया गया और दो दूसरा कोई भी दे उससे क्या लेना देना, आप लोग को एक दे दिया आप लोग को याद है वो लिख देंगे आप लोग ठीक है, और यही तीनों नाम दे दिया तब तो आप लोग तीनों से कोई भी लिख दो, तीनों तो आप लोगों को याद ही रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये तीनों मेनली याद करना होगा, न्यूज़पेपर आप लोग गूगल पे सर्च करके वहाँ से लिख लेंगे और याद कर लेंगे, क्लियर। तो ये था पूरा कंप्लीट ग्रामर का टॉपिक, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं पूरा वीडियो देखी हूँ या देखा हूँ ठीक है। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।